नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अब इक्विजन DVR को एक्टिवेट कैसा करना, ऑनलाइन कैसा करना। आप जब भी फर्स्ट टाइम DVR करते ना इक्विजन का, उसमें सेटिंग्स क्या क्या करना पड़ेगा वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट टाइम DVR खरीद कर चालू करें तो आपको ऐसा आएगा। ओके, देख लीजिए, एक्टिवेशन यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट एडमिन आएगा। आप पासवर्ड आप क्रिएट करना। ओके, मैं इसको पासवर्ड अभी क्रिएट कर रहा हूँ। सेम स्टेप प्रोसेस में आप भी कर ले सकते हो। ओके, इसमें आपको ऑनलाइन भी कैसा करना वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके, फिर सेम रिपीट दे दो, जो पासवर्ड आप दिए ना कंफर्म पासवर्ड में, सेम वही पासवर्ड दे दीजिए। ओके, एक कंपनी से खरीदे सो डायरेक्ट लगाया मैं। ओके, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ओके, आप भी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये सेटअप क्या क्या करना पूरा आप देख लीजिए। ओके, ये बीप साउंड कई को आ रहा बोले तो, इसमें मैं हार्ड डिस्क नहीं लगाया अभी तक। ओके, उसके लिए बीप साउंड आ रहा, वो बीप साउंड भी कैसा रोक देना मैं अभी दिखाऊंगा। ओके, इधर एडमिन यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड आपका चाहे सो दे दीजिए और कंफर्म पासवर्ड भी दीजिए। IP कैमरा एक्टिवेशन के लिए भी पासवर्ड इसको देना ज़रूरी है। ओके, बाद में ओके कर दीजिए। ओके, ये पासवर्ड कुछ गलती आया बोला, उसके लिए फिर मैं टाइप करा। अब पासवर्ड देखना चाहिए तो ये दबा दीजिए, करेक्ट है, और ये भी दबा दीजिए, करेक्ट है। फिर रॉन्ग कहीं को आया, एक मिनट, शायद मैं कुछ गलती दिया होगा, उसके लिए रॉन्ग आया। ओके, अभी हो गया। ओके, बाद में आपको डिवाइस एक्टिवेटेड प्रॉपर्टी कीप योर पासवर्ड एक्सपोर्ट GUID फाइल फॉर पासवर्ड रिसेटिंग, मैं नो बोल के दबा रहा हूँ। ओके, मेरे को वो जरूरत नहीं। अभी इसको पैटर्न सेट करो बोल रहा हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम DVR लगाए से जब ये पूरा आपको पूछेगा, मैं पैटर्न क्या है कि सेट कर दे रहा हूँ इसको, देख लीजिए, सेट करा। ओके, नेक्स्ट फिर सेम पैटर्न और एक बार देना। ओके, ये सेट हो गया पैटर्न। ओके, आपको पूरा पैटर्न सेट हो गया। अभी ये सिस्टम लैंग्वेज कौन सा होना आपको पूछ रहा, मेरे को इंग्लिश में ही मैं देख सकता हूँ, उसके लिए मेरे को इंग्लिश ही होना। सपोज आपको दूसरा लैंग्वेज होना बोले तो दूसरा लैंग्वेज इधर सेलेक्ट कर ले सकते। ओके, इंग्लिश अप्लाई कर दिया। बाद में स्टार्ट विजर्ड होना, स्टार्ट बोले तो ये स्टार्ट विजर्ड कहीं के लिए बोले तो, हर टाइम DVR स्टार्ट हुए से जब ये विजर्ड पूछेगा आपको, ये नहीं आना बोले तो ये टिक निकाल देना अपन। ओके, स्टार्ट विजर्ड अपन को जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दिए बाद में ये टाइम पूछेगा, टाइम बोले तो अपन इंडिया है ना, अब जो कंट्री है वो कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम दे दीजिए। मैं इंडिया हूँ, इंडिया में कितना बोले तो प्लस 5:30। ओके, आपको मंथ डेट ईयर आ रहा। ओके, अपन इंडिया में क्या करते बोले तो पहले डेट डालते, उसके लिए डेट मंथ ईयर। ओके, 15:30 जो टाइम हो रहा आपका वो टाइम सेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, कर दिए बाद में ये क्या बोले तो इसका IP सेट, आप ऑनलाइन होना बोले तो इसको IP सेट करना। ओके, ये DHCP एनेबल ही रहना आपको। ओके, ये भी DHCP एनेबल करे तो, ये एनेबल DNS DHCP ये कई के लिए बोले तो अपना DVR ऑनलाइन के लिए है ये। ओके, ये भी नेक्स्ट मार दीजिए अप्लाई कर। ये हिक कनेक्ट कई के बोले तो अपन मोबाइल में हिक कनेक्ट डाउनलोड करके मोबाइल को कनेक्ट करना बोले तो ये हिक कनेक्ट एक्टिवेट करना अपन। ओके, हिक कनेक्ट एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करे बाद में क्या पूछेगा बोले तो, आपको वेरिफिकेशन कोड पूछेगा। आप ऑनलाइन देख रहे से जब आप ये वेरिफिकेशन कोड डाले तो ही आपको मोबाइल में ओपन होगा। ओके, ऑनलाइन करे बाद में आपको फ़ोन को तो कनेक्ट होगा, मगर इसका कनेक्ट करे सो कैमरा से आपके क्या DVR में मोबाइल में ओपन नहीं होंगे, क्योंकि ये वेरिफिकेशन कोड जो मोबाइल में डालते उनको ही ये आ जाएगा। ओके, ओके, मैं वेरिफिकेशन कोड भी डाल दे रहा हूँ उसमें। ओके, डाल दिए बाद में ही कनेक्ट एक्टिवेट कर देना ये सर्विस। ओके, करके नेक्स्ट ओके मार देना। ओके मारे बाद में, ये ऑफलाइन है ना,
नेक्स्ट मारते वो ऑनलाइन होगा, कैसा ऑनलाइन होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके ओके, ये आपको हार्ड डिस्क का स्टेटस इधर दिखेगा। हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना बोले तो इनिशियल मारे तो आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट होगा। मैं हार्ड डिस्क फिट नहीं करा वो मैं इनिशियल नहीं मार रहा हूँ। ओके, इंस्टॉलेशन। ओके, नेक्स्ट मार दीजिए। ये आपका आईपीएस एक्टिवेट है। ओके, 102.112.102.108 ये DVR ऑन VA5 ऑन VA5 ऑन VA5। ओके, नेक्स्ट मार दे रहा हूँ। ओके, कंटिन्यूस मोशन डिटेक्शन, ये रिकॉर्ड कंटिन्यू होना मोशन डिटेक्शन है वो आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट हो गया, हो गए बाद में। अभी इसको अपन ऑनलाइन में चेक कर लेना, ऑनलाइन है ही नहीं है तो स्टेटस ऑनलाइन चेक करना बोले तो अपन क्या करना बोले तो मेन्यू में जाइए। गए बाद में कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में गए बाद में देखिए मैं माउस कैसा कैसा हिला रहा हूँ वैसा। ओके, फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। दर सेकंड में ऑनलाइन चेक करना है, DVR ऑनलाइन में है नहीं है और ऑनलाइन करना बोले तो भी। ओके, सेकंड में कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन गए बाद में ये जनरल ओपन हुआ ना, जनरल के नीचे नेटवर्क है, देखिए जनरल, जनरल के नीचे नेटवर्क, नेटवर्क क्लिक करिए। क्लिक करे बाद में इसका IPC आ गया है। ओके, नेटवर्क क्लिक करे बाद में जनरल में, जनरल में IPC है। प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाइए। ओके, देखिए प्लेटफॉर्म एक्सेस में गए तो क्या हुआ, ये ऑनलाइन में है, ऑनलाइन हो गया। ओके ओके, तो ये DVR ऑनलाइन हो गया। अभी ये DVR को मोबाइल को कनेक्ट करना, मोबाइल को कनेक्ट करना बोले तो कैसा कनेक्ट करना, मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करना वो पूरा मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ओके, वो वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आना बोले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ भी आपको CCTV कैमरा का मटेरियल होना बोले तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस दिया, वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑर्डर लगा सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, ये है फर्स्ट टाइम आप रिक्विजन DVR करें तो सेटअप करने का प्रोसेस। ओके ओके, थैंक यू। आपको जो कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। ओके, ये है मेरा नेक्स्ट वीडियोस में इसको कैमरास कैसा कनेक्ट करना, IP कैमरास कैसा कनेक्ट करना, और मोबाइल में इसको, मोबाइल में दो ऐप में देख सकते हैं अपन, एनविज बोलकर एक आता और एक क्या है कि IVMS 4500 बोलकर एक आता, हिक कनेक्ट बोलकर एक आता। ओके, ये तीन ऐप के थ्रू अपन इसको DVR को मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो कैसा करना क्या करना मेरा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए।